ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, भारतवर्ष में फिल्में बनती हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री। यदि आप इसकी उत्पादकता देखें तो शून्य है। आप कहेंगे नहीं, यहाँ तो करोड़ों अरबों का व्यापार होता है, लेकिन इनकी उत्पादकता शून्य है। अर्थात ये कुछ भी ऐसा निर्माण नहीं करते जो समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो। आपको लगता है ऐसा कुछ निर्माण करते हैं? क्योंकि ऐसी गिनी चुनी फिल्में बनती हैं जो समाज या राष्ट्र के हित में होती हैं, लेकिन वो फिल्में कितनी देखी जाती हैं ये हम सब जानते हैं। तो ये क्या है, हमें इसे थोड़ा विस्तार से समझना होगा। हमारे समाज में इनका जो चलन है ये क्यों है, और ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और हम इस तरह इनके चंगुल में फंसकर किस तरह हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, या अपने आप को अवन्नति, जिसे कहें कि हम पतन के मार्ग पर ले जा रहे हैं, हम आज उस बात को स्पष्ट करेंगे। मित्रों, ये जो अपने आप को कलाकार कहते हैं, ये किस तरीके से हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। जो अपने आप को नायक कहते हैं वो किस तरह खलनायक हैं, आज हम आपको ये बातें स्पष्ट करेंगे। आप कहेंगे विषय बहुत आपने गंभीर लिया है। जी हाँ, गंभीर है तभी लिया है, क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के स्वास्थ्य के विषय में बात कर रहे हैं। मित्रों, जिन लोगों को आप फिल्मी पर्दों पर देखते हैं और उनके पीछे पगला जाते हैं, पागल हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं, और जो वो कहते हैं उनको अक्सर से मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, वो सच्चाई में क्या है, हम इनके विषय में थोड़ी सी बात करें। मित्रों, पर्दे पर कितने बड़े बड़े काम कर लेते हैं, कितने राष्ट्रों के उन्होंने भ्रष्टाचार मिटा दिया और क्या क्या कर दिया, हम वो सब आप देख चुके हैं। अब हम पर्दे के पीछे की बात करते हैं। मित्रों, पहले हम नायिकाओं के विषय में बात कर लें। नायिकाएं क्या करती हैं? ये नायिकाएं वो हैं जो अपने तन और सुंदरता को, तन को दिखाकर सुंदरता को बेचकर धन कमाते हैं। मित्रों, सही रूप में इसको क्या कहा जाता है, मुझे आपको नाम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मात्र धन के लिए, मात्र थोड़े से धन के लिए अपने तन और सुंदरता को पूरी तरीके से बेचते हैं, और किस किस तरीके से व्यवहार करते हैं ये आपने देखा होगा, मुझे उसमें विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ कलाकारों की, नायकों की बात करें, पुरुष कलाकार अर्थात नायकों की बात करें, तो ये वो दृश्य करने में बड़ी माहिरता दिखाते हैं। कुछ लोगों के तो हमने नाम भी सुने हैं, आपको पता होगा चुम्बन एक्सपर्ट कौन है आप जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं। अब आप एक बात जानिए, जो ऐसे लोग हैं वो समाज में क्या अच्छा फैला रहे हैं ये हम सब जानते हैं, पर फिर भी क्यों इनकी फिल्में देखी जाती हैं, क्योंकि आप जैसे लोग जो इनके पीछे पगलाते हैं वो इनको पसंद करते हैं। फिर आप कहें कि समाज में विकृति ना आए, कहां से नहीं आएगी। आप जो चीज देखना सुनना पसंद करते हैं वही चीजें आपकी बहन बेटियों के और माओं के साथ होती हैं, तो आप कैसे बच पाएंगे। मित्रों, हमने अधिकांश बड़ी बड़ी फिल्मों में, जो बड़े बजट की फिल्में बनती हैं, उनमें बलात्कार के दृश्य होते हैं, क्योंकि बलात्कार के दृश्य जो फिल्माए जाते हैं, जिस तरीके से फिल्माए जाते हैं वो एक आकर्षण का केंद्र होती है, इनमें सीटियां बजती हैं, ऐसा हमने सुने, क्योंकि हम कभी थिएटर नहीं जाते हैं फिल्में देखने, पर लोग बताते हैं कि हमने ऐसे वहां सीटियां बजती हैं। क्यों बजती हैं आप समझिए, जो इनको देखना पसंद करते हैं ये कहीं बाहर से नहीं आते, ये वही पुरुष हैं जो समाज में रहते हैं, ये वही पुरुष हैं जो आपके परिवार में रहते हैं, ये वही पुरुष हैं जिनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो जाते हैं। यदि आप खुद इस चीज को बढ़ावा देंगे तो उसको कौन घटाएगा। अपनी बहन बेटी के साथ होता है तो बुरा लगता है, लेकिन दूसरे की बहन बेटी के साथ देखना अच्छा लगता है। जब तक ये मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। मित्रों, ऐसे ये जो कलाकार हैं इनके बारे में थोड़ी आगे बात करूं, ये जो विज्ञापन करते हैं इनमें कितना सत्यापन होता है आपने देखा है। ये राष्ट्र के बारे में, ये हमारे समाज के बारे में क्या क्या कह जाते हैं, भारत में सुरक्षित नहीं है, फिर भी आप इनको बढ़ावा दें, ये आपकी मूर्खता है। ये जिस राष्ट्र में सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं उसी राष्ट्र से धन कमाते हैं, उसी राष्ट्र का खाते हैं, उसी राष्ट्र के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर भी आप इनका पक्ष लेते हैं, फिर भी आप इनकी फिल्में देखते हैं, आप कितने बड़े मूर्ख हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। कितने स्कूल आपने देख लिए जहां
ये चीजें चल रही हैं, ये तो बहुत बताते कि यहाँ यहाँ शाखाएं खुल चुकी हैं, पर हमने तो कहीं वो शाखाएं नहीं देखी। आपने देखी तो बता दीजिए। पीएनजी की विज्ञापन में ये चीजें आती हैं कि पीएनजी के प्रोडक्ट खरीदिए, इनका कुछ पैसा वहां जाता है। लंबे बाल और साथ में ही आप बच्चों की मदद करेंगे, इसका एक रुपया उसको जाता है, बच्चों के लिए जाता है, अनाथ बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जाता है। क्योंकि मुझे विज्ञापन ठीक से याद नहीं, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ टीवी नहीं चलता है, मैं टीवी बंद कर रखा है। उसके अलावा सबसे बड़े कलाकार के विषय में बात करूं तो कोल्ड ड्रिंक पी के आंतें सड़ गई, ऑपरेशन करवाना पड़ा, कहा गया ये बात आप ऑन रेडियो बोल दो या ऑन पब्लिक बोल दो। नहीं, मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि मुझे हर्जाना भरना पड़ेगा। आपको हर्जाना ना भरना पड़े, इसलिए पूरा राष्ट्र हर्जाना भर रहा है। यदि आप एक बार कह देते कि कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए विष है, पूरा देश निकाल देता उसको घर से, देश से बाहर निकल जाता। लेकिन आपने मात्रा में और मात्र अपनी जेब भरी, अपनी जेब बचाई। जब आपने अपनी जेब भरी, तब आपने जनता का हित नहीं देखा, और जब आपको जेब खाली करने की बारी आई, तब आप अपना हित देखने लग गए। ये है ये कलाकार, ये है ये कलाकार या कलंक, ये आप तय करिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में टॉपिक दिया कलाकार या कलंक, आप तय करिए कि कलाकार कितने हैं, कलंक कितने हैं। आप तय करिए नायक हैं कि खलनायक हैं। मित्रों, इनकी बहुत बड़े बड़े बजट की फिल्में आती हैं, बहुत सारा ये धन कमाते हैं, लेकिन धन कमा के मात्र और मात्र अपनी जेबें भरते हैं। बहुत कम कलाकार ऐसे हैं जो किसी किसान के लिए के ये और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना बहुत कुछ देके बैठे हैं। ऐसे भी कलाकार हैं, हम ऐसे कलाकारों को नमन करते हैं, पर हम ऐसे कलाकारों से पूछते हैं कि आप वाकई कलाकार हैं कि कलंक हैं, जो आप समाज और राष्ट्र में जो चीज़ें फैल रही हैं उनको आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कहते, क्योंकि आपकी जेब खाली हो जाएगी, आपको इस बात का खतरा है। यदि आपने उस समय हिम्मत कर ली होती और भारत से कोल्ड ड्रिंक भगा दी जाती, तो विश्वास करिए आपको कुछ नहीं भरना पड़ता। ये मैं आपको कह रही हूँ, नाम नहीं ले रही हूँ। हाँ, आगे नाम भी लेके बोलूंगी, क्योंकि मुझे नाम लेने में डर नहीं लगता। पर अभी बहुत सारे लोगों की बात की, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, पर जब सिंगल बात करूंगी तब नाम भी लूंगी। और कोई रोग विशेष आपकी देह में है, कैसा भी रोग विशेष हो आपकी देह में, तो आप हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, उनमें वीडियोस देखिए। क्योंकि ये सब जो हैं कलाकार हैं, ये आपको रोगी बनाने में लगे हुए हैं। ये आपके रोगों को कहीं से ठीक नहीं करने वाले, ना आपकी वासना को मिटाएंगे और ना ही आपके रोगों को ठीक करेंगे। वो रोगों को ठीक करने के लिए आपको हमारे वीडियोस के नियम पालन प्राणायाम ही करने होंगे। अपने रोग अनुसार वीडियो चुन लीजिए, उनमें नियम पालन प्राणायाम दिए हुए हैं। जितना पालन करेंगे आपको लाभ होगा, नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। और कोई प्रश्न है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, और इस विषय में आपको और क्या क्या जानना है हमारा मार्गदर्शन करेंगे, तो आपको हम नए विषय भी दे पाएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।